क्लाइमेट चेंज की ट्रेंड इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक है। पूरी दुनिया के लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, लाखों आवाम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई खास पर नजर नहीं आ रहा। वो क्या वजूहत है जिनकी वजह से दुनिया इस क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है, और वो क्या तरीकेकार है जिनकी वजह से हम क्लाइमेट को बेहतर बनाकर इंसान की जिंदगी को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं, चलें इस वीडियो में जानते हैं। जिससे हमारे घर की लाइट जल सके, हमारी फैक्ट्रियां चल सके, हमारी गाड़ियां चल सके। इसी वजह से CO2 लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरी वजह यह है कि इंसान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। 1950 से लेकर अब तक सिर्फ 70 सालों में इंसान की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ इंसानों के एग्जाम्पल देने की एक वजह यह है कि इंसान ज्यादातर जानवरों पर रिलाय करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, उनका दूध पीते हैं। तो इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि जितने ज्यादा इंसान उतने ज्यादा जानवर, और जितने ज्यादा जानवर उतनी ज्यादा मीथेन गैस, और यही मीथेन गैस एटमोस्फेयर में जाकर फंस जाती है। और जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो यह गैसेस ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर वार्म हो जाता है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। मसला ये नहीं है कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मसला ये है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10,000 सालों में ये साल दुनिया की तारीख के गर्म तरीन साल है। UN के मुताबिक 1800 से लेकर आज तक सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन ये टेम्परेचर 2030 तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 6 साल है इसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस 0.03% थी, जो कि बढ़कर 0.04% हो गई है। कहने में तो ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को टॉप 20 कंट्रीज में से जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। आज भी हमारी 50% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी आवाम को सबसे ज्यादा नौकरियां देती है, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में ही पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो आप टी शर्ट खरीदते हैं, इसको बनाने में भी सैकड़ों लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसको अच्छा सॉइल चाहिए, अच्छी सनलाइट चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए, लेकिन जब वेदर ही अच्छा नहीं होगा, क्लाइमेट ही अच्छा नहीं होगा, तो प्रोडक्शन अच्छी कैसे होगी। जैसा लास्ट ईयर हमने देखा, मैंगो की प्रोडक्शन 60% कम हुई थी, और ये हर साल खराब से खराब होता जाएगा। और जब खाने पीने की चीजों की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी, और जब फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जब लोग सड़कों पे आएंगे तो श्रीलंका वाला हाल होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट बन जाएगी। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो हीट वेव आप देखते हैं पाकिस्तान में हर साल बढ़ती जा रही है। हीट वेव से होने वाले नुकसान तो आप सबने देखे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हिमालयन ग्लेशियर निकलने से पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड्स आएंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बुरी तरह से तबाह हो सकता है। एग्रीकल्चर तबाह होगा तो फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ेगी, जिसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। फ्लड से आने वाला सारा पानी जब समंदर में जाएगा तो सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने की वजह से आज भी दुनिया के बहुत सारे सिटीज थ्रेट पर हैं। मियामी और ओसाका शहर की बात करें तो शायद वो 2080 में ना हो, और अगर वेनिस की बात की जाए तो वो शायद 2050 में भी ना हो। माइग्रेशन की अगर बात करें तो जब इंसानों को खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, और जब इंसान माइग्रेट करेंगे तो जानवर और परिंदे भी अपनी माइग्रेशन शुरू कर देंगे, और जब वो माइग्रेशन करेंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम धर्म भरा हो जाएगा। इन तमाम ट्रेंड से बचने के लिए ग्लोबल लीडर 2016 में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि 2100 तक दुनिया का टेम्परेचर 1-2% तक रखेंगे। लेकिन अब देखते हैं, आज तक कोई खातिर का काम नहीं हुआ। IPCC दुनिया का बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत सारे कंट्रीज ने अब तक इसको सीरियसली नहीं लिया। जैसे जैसे हम देख रहे हैं गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, हमने अगर अपनी प्रैक्टिसेस चेक नहीं की, हम प्लांट बेस पर नहीं आए, एनिमल बेस पर ही लगे रहे, तो मीथेन गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना ज्यादा बढ़ सकता है, और हमारी जिंदगियां कितनी अजीर्ण हो सकती हैं, जरा सोचें और कमेंट करके लाजमी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।